आज हम माइनक्राफ्ट को पूरी तरह चेंज करने वाले हैं रेड डेड रिडेम्पशन में, और माइनक्राफ्ट के अंदर हम डालने वाले हैं रियल हॉर्सेस, ट्रेन एंड गन और भी बहुत कुछ। वीडियो के एंड में बनाने वाला हूँ एक सिनेमैटिक मूवी, तो तुम उसको रेट करके बताना कि वो तुम्हें कैसे लगी। और इस वीडियो पे एम करते 69 लाइक के लिए, तो उम्मीद है तुम करवा दोगे लाइक। स्टार्ट द वीडियो। अभी ये चल रहा है नॉर्मल वनीला माइनक्राफ्ट, और इसमें अभी एक एक करके हम मोड लगाएंगे और माइनक्राफ्ट को चेंज करेंगे रेड डेड रिडेम्पशन में। तुम्हें पता होगा कि आरडीआर एक ओल्ड थीम बेस्ड गेम है। अगर मुझे माइनक्राफ्ट को आरडीआर में चेंज करना है तो मेरे को माइनक्राफ्ट को पूरा चेंज करना होगा, पर माइनक्राफ्ट को आरडीआर में चेंज करना कोशिश करते हैं। क्या पता मजा आ जाए। अभी मैंने इसमें एक मोड लगा लिया। अगर तुम देखो तो माइनक्राफ्ट के हॉर्स उतना ज्यादा रियल नहीं लगते और उनका एनिमेशन भी एकदम फुद्दू है, पर इस मोड के जो हॉर्स है वो कितना ज्यादा रियल है, और इसके चलने का एनिमेशन देखो, और मेरा करेक्टर इसके ऊपर कैसे बैठा है, ये कितना ज्यादा अमेजिंग है ना। अगर मैं इसको दौड़ाऊं तो क्या पता ये रियल घोड़े की तरह दौड़ेगा। उसकी जंप भी बिल्कुल रियल है और ये दौड़ भी रियल घोड़े की तरह रहा है। यार ये वाला मोड तो बहुत ज्यादा मस्त है। इसमें सिर्फ एक ही कलर के हॉर्स नहीं, बहुत सारे अलग अलग तरह के हॉर्स है, मतलब व्हाइट है एंड व्हाइट एंड ब्लैक एंड अदर अदर कॉम्बिनेशन के बहुत सारे हॉर्स है। अगर तुम कोई हॉर्स वाला मोड ढूंढ रहे हो तो भाई ये वाला मोड बहुत अमेजिंग है। नेक्स्ट मोड की बात करें तो रेड डेड रिडेम्पशन ओल्ड थीम पर बेस्ड गेम है, और उसके अंदर जो वेपन यूज हुए हैं वो भी ओल्ड टाइप के हैं। तो यहाँ पर मैंने दो मोड इंस्टॉल किए हैं। फर्स्ट मोड की बात करें तो फर्स्ट मोड का नाम है टाइमलेस एंड क्लासिक गन्स। इस मोड के अंदर वो सभी ओल्ड टाइप्स गन है जो मुझे इस वीडियो के लिए चाहिए, और ओल्ड के साथ साथ इसके अंदर न्यू टाइप्स की भी गन्स है। इस मोड की सबसे क्रेजी चीज बताऊं, इस मोड की सबसे क्रेजी चीज ये है, अगर मेरा करेक्टर जब गन हाथ में लेता है तो उसका एनिमेशन इतना ज्यादा कूल है ना। तुम ये देखो, देखो जब ये मेरा करेक्टर पिस्टल निकाल रहा है और अपने हाथ में पकड़ रहा है तो ये देखो कितना ज्यादा कूल है। देखो दोबारा करके दिखाता हूँ, देखो मेरा भी हाथ खाली है और दोबारा से मैं पिस्टल पकड़ने वाला हूँ। ये देखो तो किस तरीके से गन निकाल रहा है। क्या मैं यहाँ से उस घोड़े को शूट कर सकता हूँ? ओ भाई उस घोड़े का एनिमेशन देखो। इस मोड को डालना इसलिए कंपलसरी था क्योंकि गाइस उस गेम के अंदर थोड़ा बहुत गन्स का एनिमेशन भी है, जिसकी वजह से मैंने इस मोड को डाला है। अगर मैं इसको हॉर्स पर बैठ कर ट्राई करूं तो गाइस ये बहुत ज्यादा कूल लगने वाला है, एक बार ट्राई करके देखता हूं। ओ ये देखो ये कितना ज्यादा मस्त लग रहा है। मेरे प्लेयर ने गन को होल्ड किया हुआ है। अगर मैं यहां से किसी को भी शूट कर सकता हूं शायद, ये कितना ज्यादा मस्त है ना। अगर गाइस तुम्हें ये दोनों मोड पसंद आया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। यहाँ पर मैंने एक मोड अनइंस्टॉल किया है क्योंकि देखो गेम में देखा ही होगा कि ओल्ड टाइप के लॉग्स बहुत सारे हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ना एक मोड डाला है जिसके अंदर ना बाउंटी हंटर्स है। तो यहाँ पर मैंने देखो बाउंटी हंटर्स वाला एग ले लिया है, मैं तुम्हें स्पॉन करके दिखाता हूँ। और ये देखो ये बाउंटी हंटर है, और ये देखो कितना ज्यादा रियल लग रहा है। और ये काउबॉय वाली टोपी ना इस पे कितनी मस्त लग रही है ना। अब देखो मैंने बाउंटी हंटर आ गया तो भाई मेरे को इसको एक टारगेट भी देना होगा, तो टारगेट देने के लिए एक बंदा और रह गया इसमें आउटलो वाला, तो मैं जल्दी से इसको स्पॉन करता हूँ। और ये बंदा स्पॉन हो गया, शायद से इन दोनों के बीच आपस में लड़ाई होगी। ओ भाई ये बंदा गोले चलाने लग गया, वो आपस में लड़ने लग गया, देखते कौन जीतता है। मेरे को तो लग रहा है बाउंटी एंटर जीतेगा, ये भी जीत सकता है। लो यहाँ पर गाइस बाउंटी एंटर ने अपने टारगेट को मार दिया है, और भाई ये क्या ही मस्त है ना, दोनों के बीच लड़ाई थी। इस मोड के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हम यूज कर सकते हैं, बट इसके अंदर ना मेरे को सबसे फेवरेट पता कौन सी चीज लगी, ये बोतल बोजी। अगर मैं इसको पीता हूँ ना, ये देखो देखो पीने से देखो क्या होता है, अरे नशे होने लग गए गाइस, अरे मेरा सर घूम रहा है, अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। नेक्स्ट मोड की बात करें तो नेक्स्ट मोड होने वाला है रेल रोडिंग। तुमने देखा होगा कि आरडीआर में ना एक ट्रेन भी है, और स्टार्टिंग में उसकी हाइस्ट का सीन भी है, तो इसलिए मैंने इस मोड को यूज किया है। इस मोड के अंदर वो सभी ओल्ड टाइप्स ट्रेन है जो मुझे इस वीडियो के लिए चाहिए, और ट्रेन चलती किस पे, ट्रैक्स पे। तो हमें सबसे पहले ना ट्रैक्स लगाने पड़ेंगे, और जल्दी से मैं ट्रैक्स लगा लेता हूँ ताकि ट्रेन यूज करके दिखा सकूं। जल्दी से मैं ट्रेन के ट्रैक लगा लेता हूँ और फिर तुमको ट्रेन चलाकर दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर ट्रैक लगा दिए, और भाई अब चलो जल्दी से ट्रेन को स्पॉन करते और चला के देखते कि हमारी ट्रेन स्टार्ट होती है नहीं होती। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैंने जो इंजन लिया E6 करके कोई नाम का इंजन है, तो भाई मैंने यहाँ पर स्पॉन किया। और ये देखो ये ट्रेन देखो क्या ही मस्त लग रही है। तो इसके अंदर बैठ के जल्दी से स्टार्ट करके देखता हूँ उसको मैं, ये चालू हो पा रही है। ओ ये स्टार्ट हो गई, इसका हॉर्न बजता है रियल ट्रेन की तरह, इसका साउंड है हॉर्न का, और ये चल भी वैसे रही है। और गाइस मैं यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, और ये देखो कितना ज्यादा मस्त लग रही है। अगर मैं उतर दूँ तो ये ट्रेन चलेगी, ये देखो गाइस। अरे घोड़े हट जा, नहीं तो तेरे ऊपर ट्रेन चढ़ जाएगी।
और ये कितनी ज्यादा मस्त लग रही है ना। और मैं हट जाऊं नहीं तो मेरे ऊपर चढ़ जाएगी। अरे जा रही है। एक है ये वाला, वो ये तो रियल टाइप ट्रेन है, वो डीजल वाला इंजन होता है उसकी तरह। क्या ये भी स्टार्ट होगा? चलो मैं इसको स्टार्ट करके देखता हूँ, बट ये तो स्टार्ट नहीं हुआ। गाइस इसके अंदर कुछ ऑयल वॉयल टाइप डलता है। गाइस वो वाला इंजन तो स्टार्ट हो गया था, बट इसके फ्यूल को फिलअप किया इथेनॉल करके कोई बकेट थी। मैं इसको स्टार्ट करके देखता हूँ। हाँ स्टार्ट तो हो गया, स्टार्ट हो। देखो ये स्मोक निकलने लग गया, बट ये आगे अभी भी आगे नहीं बढ़ रहा। ऐसे कुछ लेफ्ट साइड में कुछ बढ़ रहा है, उसकी आवाज सुनो गाइस। ओके हो गया स्टार्ट। और ये देखो गाइस ये कितना ज्यादा मस्त लग रहा है। अगर मैं उतर जाऊं तो ये देखो कितनी स्पीड में जा रहा है डीजल वाला इंजन। और भाई ये उन दोनों की टक्कर होने वाली है, क्या पता ये ब्लास्ट होगी। और नहीं ये रुक गया। ये ट्रेन वाला मोड कितना ज्यादा अमेजिंग है ना। अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, ये ट्रेन और तुम ट्रैक पर, समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बस यही है। तो मैंने रेड डेड रिडेम्पशन की गेम के मेन कैरेक्टर आर्थर की स्किन लगा ली है, और अब देखो मेरा प्लेयर देखो क्या ही मस्त लग रहा है। बट यार ये अभी भी अजीब लग रहा है, क्योंकि जो उसका मेन कैरेक्टर ना वो ना एक हैट पहनता है, वो भी काउबॉय वाली। तो मैंने ना कहीं से जुगाड़ करके एक मोड और ऐड किया है, जिसका नाम है मोर कॉस्मेटिक। और उसके अंदर ना मेरे को देखो कितनी सारी कैप मिल जाती है, और जो मुझे वो कैप चाहिए वो है काउबॉय वाली। अब देखो यार मेरा कैरेक्टर देखो क्या ही मस्त लग रहा है, ये काउबॉय हैट पहन के क्या ही लुक आ रही है ओल्ड टाइप। और इस मोड के अंदर ना बहुत सारी कैप्स है, जैसे ये वाली कैप उतार के ये वाली पहन लूँ तो देखो मैं फार्मर बन गया, अगर मैं ये वाली कैप हटा के ये हटा लूँ तो मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर बन गया। तो कहाँ पर मजदूरी करनी है रे साहब, बताइए कहाँ पर मजदूरी कर दूँ। और लास्ट में जो हैट है वो है, ये है जादूगर की हैट। अभी तो मैं वापस वाली हैट पहन लेता हूँ। अब गाइस मैंने सारे मोड तो लगा लिए, पर रेड डेड रिडेम्पशन के ग्राफिक एंड विजुअल बहुत ज्यादा अच्छे है, बट माइनक्राफ्ट के ग्राफिक्स तो तुम्हें पता है यार कितने खराब है। तो इन्हीं ग्राफिक्स को ठीक करने के लिए यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ शेडर्स का। शेडर लगाने के बाद हमारे माइनक्राफ्ट के ग्राफिक एंड विजुअल देखो कितने ज्यादा और इंक्रीज हो गए हैं। अब बस हमें लास्ट एक चीज और करनी है। अब मैंने माइनक्राफ्ट में मोड लगा लिए, माइनक्राफ्ट के ग्राफिक एंड विजुअल को भी बढ़ा लिया। तो अब मुझे चाहिए था आरडीआर एक बेस मैप, तो काफी ढूंढने के बाद बड़ी मुश्किल से मुझे आरडीआर की एक सिटी का मैप मिल ही गया। ये मैप कितना ज्यादा मस्त लग रहा है ना, ये देखो यहाँ पर देखो सारी चीजें जो रेड डेड रिडेम्पशन की उस सिटी में है। देखो यहाँ पर एक बैंक भी है, चलो इसको लूट के आते हैं। ये बैंक तो खाली पड़ा है। किसी ने कुछ नहीं देखा ना ही कुछ सुना, ठीक है। ऐसा मेरे को सिटी चाहिए थी, वैसे ही मेरे को वो सिटी मिल गई। मैंने इन सब मोड और मैप का यूज करके बनाई है माइनक्राफ्ट में एक शॉर्ट मूवी, तो रेट करके बताना कि वो तुम्हें कैसे लगी। एंड दिस इज माय फाइनल रिजल्ट। रुक जा चोरनी, मेरा बैग मुझे वापस कर। रुक जा चोरनी, तुम सब यही सोच रहे होंगे कि ये सब क्या चल रहा है, ये जानने के लिए 10 मिनट पीछे जाना होगा। कोई मेरे सामने नहीं आएगा नहीं तो मैं शूट कर दूंगा। आखिरकार मैंने बैंक लूट लिया। ये हूं मैं आर्थर, मेरा पेशा है लूटपाट। आर्थर है इस दुनिया का सबसे बड़ा चोर। ये क्या, मेरा बैग कहाँ गया? आर्थर तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस दुनिया के सबसे बड़े चोर हो? दुनिया की सबसे बड़ी चोर जेनी है। ये है जेनी, इसका मानना है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी चोरनी है, ऐसा इसे लगता है। जेनी तू कौन है और मेरा बैग वापस कर। तुम्हें ये बैग चाहिए तो आकर ले लो, मुझे पकड़ कर दिखाओ आर्थर। रुक जा चोरनी, अब आगे। रुक जा चोरनी, मेरा बैग मुझे वापस कर, नहीं तो मैं तेरे पे गोली चला दूंगा।
रुक जा जैनी, दे दे मुझे मेरा बैग। ये तो गोली चला रहा है, घोड़े को तेज भगाना पड़ेगा, चल जल्दी। रुक जा, ये तो और तेजी से जा रही है। वैसे तो मैं इसको कभी नहीं पकड़ पाऊंगा, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। लगता है वो मेरे पीछे नहीं आ रहा, शायद पीछे ही रह गया। जल्दी से अड्डे पर चलती हूँ। ये क्या आर्थर? जैनी, तुम्हें क्या लगा तुम बचकर निकल जाओगी? भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं शूट कर दूंगा। चल घोड़े से नीचे उतर, उतर नीचे। हाँ हाँ, ओ उतरती हूँ। तुम्हारी कैब बहुत अच्छी है, मुझ पर ये ज्यादा सूट करेगी। ये कैप उतार। क्या बोल रही थी? जैनी है दुनिया की सबसे बड़ी चोरनी। कौन है दुनिया का सबसे बड़ा चोर, बोलो? आर्थर है दुनिया का सबसे बड़ा चोर। और तुम कौन हो? मैं हूँ पिद्दी। हाँ। बैग कहाँ है मेरा? ये लो अपना बैग। गुड, अगर आगे से मेरे रास्ते में भी आई ना, तेरा दिमाग और मेरी गोली, समझ रही है ना? हाँ। चल निकल, अब बैठ अपने घोड़े पे, निकल। पिद्दी जैनी, निकल। आर्थर है दुनिया का सबसे बड़ा चोर, ये कैब मुझ पर जच रही है। आर्थर है दुनिया का सबसे बड़ा चोर। मुझे पता चला है कि इस बार एक ट्रेन में डायमंड्स और गोल्ड छुपा कर ले जाया जा रहा है। मेरे पास एक प्लान है, जब वो ट्रेन इस ब्रिज से क्रॉस हो रही होगी तो TNT से हम उस ब्रिज को उड़ा देंगे और ट्रेन पलटकर नीचे गिर जाएगी। जितना भी माल होगा हम आपस में बांट लेंगे। तो कैसा है मेरा प्लान, कौन मेरा साथ देगा? क्या तुम मेरा साथ दोगे? नहीं, आइडिया बहुत बकवास है, तुम हमें मरवाना चाहते हो, मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। और तुम दोनों? कोई नहीं, कोई भी नहीं। अब ये काम मुझे खुद करना होगा। ये जगह ठीक है, यहाँ से ब्रिज को उड़ाना ठीक रहेगा। ट्रेन की आवाज आ गई, ट्रेन। ये क्या, ये तो ब्लास्ट ही नहीं हुआ। मुझे ट्रेन को पकड़ना होगा, नहीं तो वो मेरे हाथ से निकल जाएगी।
ट्रेन आने वाली है। मुझे जंप करना होगा। बच गया। मुझे इंजन तक जाना होगा और ये ट्रेन रोकनी होगी। इंजन तक पहुंच गया पर ब्रेक कौन सी है? शायद से ये नहीं, ये कुछ गड़बड़ ना हो बस। यही ब्रेक थी, रुक गई ट्रेन। ये क्या गोली कौन चला रहा है? वो लोग कौन है? यहां तो बहुत सारे गार्ड्स हैं, पर वो सब बीच वाली बगी के पास क्यों है? शायद उसी में सारा गोल्ड और डायमंड रखा है। मुझे संभल कर इन सबको रास्ते से हटाना होगा। तो यहां से ज्यादा लोग हैं। मुझे दूसरी तरफ जाकर उन पर अचानक से हमला करना होगा। अब जो होगा देखा जाएगा। रिश्क है तो इश्क है। पीछे से वार करता है कायल। अब देखते हैं कितना गोल्ड और डायमंड हाथ लगा। क्या मैं अमीर हो गया? आर्थर ने ही इतना सारा गोल्ड और डायमंड लूट लिया। अब जल्दी से यहां से निकलना है। मेरा घोड़ा कहां है? आ गया। ये चोरी को हबर कोई याद रखेगा। मैं हूं आर्थर, इस दुनिया का सबसे बड़ा चोर।